ये सीबीआई की रेड है, कोई काम नहीं करेगा। काम बंद करो सारे के सारे अपना अपना। आप फोन नीचे रखो, आप पीछे हो, पहले आप पीछे हो। ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता, दिस इज द ओनली रूल। वो हम कर रहे हैं, आपके पास नहीं। आप बाहर आयो, आप बाहर आओ, आप बाहर आओ। आप बोल रही हूँ। हेलो, नीचे रखो फोन, फोन नीचे रखो, किसी को फोन नहीं मिलाना। आप पीछे हो फोन से और आप भी बाहर आओ, आप भी बाहर आओ। फिर चेक करो, यहाँ से चेक करो, यहाँ पे लैपटॉप की एंट्री चेक कर दो। अखिलेश सर को एक बार कॉल, अखिलेश जी को भी लेके आइएगा ब्यूरो, उनको भी लेके आना क्राइम ब्रांच। आप इनको कस्टडी में नहीं ले सकते, कस्टडी में नहीं ले सकते। लेडीज कॉन्स्टेबल बुलाओ, लेडीज कॉन्स्टेबल बुलाएं हम। सर आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, मेरी शादी है सर। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू माइंड ब्लोइंग वीडियो। तो यार आज का जो वीडियो बहुत यूनिक, अभी तक शायद नहीं देखा होगा आपने यूट्यूब पे, तो वो मैंने इनके होटल में करा है। इनके रिसेप्शन पे एक इनकी रिसेप्शनिस्ट है, बहुत एटीट्यूड है उसमें। तो अभी 9 बज रहे हैं, कैमरा सेटअप करेंगे, 12 बजे वो आने वाली है, तो उस पर होने वाला है। वीडियो में बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला आपको। और अगर आपको भी अपने किसी भी लोकेशन में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, बार्स में या लॉन्जेस में, किसी में भी आपको करवाना है, तो आप भी नीचे मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर हमको मेल कर सकते हैं, हम रिव्यू कर लेंगे। तो आपके लोकेशन पे भी हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं। तो बने रहो वीडियो में, कोई पार्ट मिस मत करना, एंड तक देखना। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अटेंशन, ये सीबीआई की रेड है, कोई काम नहीं करेगा। काम बंद करो सारे के सारे अपना अपना। ये नीचे रखो, फाइल नीचे रखो। फाइल में कोई लिखा पढ़ी नहीं करेगा, फाइल में कोई लिखा पढ़ी नहीं करेगा। सीबीआई की तरफ से हम लोग, मैम प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, अपने स्टाफ से बोलिए कोऑपरेट करने के लिए। Sir, पीछे हो जाओ। हमारे होटल में हाँ जी हाँ, क्यों? मुझे कुछ एक्साइज की चोरी का इन्फॉर्मल्स है हमारे पास, एक्साइज की और टैक्स की चोरी के लिए, तो हमें आपका इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। रोए अंदर जाओ। ऐसे कैसे, और सीबीआई की रेड हमारे होटल में कैसे पड़ सकती है, जबकि हमारा अकाउंट तो एसबीआई में है। ओ मैडम, आपका स्क्रू ढीला है क्या? बैंक की रेड नहीं है ये, सीबीआई ऑफिशियल की रेड है। आपकी एंट्रीज चेक करनी है हमको, आपकी एंट्रीज चेक करनी है। कोऑपरेट करो, पहले मुझे ओनर को कॉल करने दीजिए। तो शिंदे कोना आलिया तेजा तो नौना को तो मैं इन्फॉर्म कर दूं। किसको? आप फोन नीचे रखो, आप पीछे हो, पहले आप पीछे हो। ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता, दिस इज द ओनली रूल। और किसी से भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकती बाहर वाले के। बाहर आओ, आप इन्फॉर्म करने दीजिए अपने ओनर। फाइल अच्छे से चेक करो, इनके लैपटॉप की भी एंट्री चेक करो। शिंदे तू भी अंदर जा। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज चेक करो, एंट्री चेक करो, यहाँ से चेक करो, यहाँ पे लैपटॉप की एंट्री चेक कर दो। नहीं नहीं ठीक है, हमारे को सही मिली है, वी नो और जॉब। क्या हुआ? आप यहाँ आओ। किस चीज़ के बारे में आपने कहा कि टैक्सेस की चोरी एक्सेट्रा? वो हम कर रहे हैं, आपके पास नहीं। आप बाहर आयो, आप बाहर आओ, आप बाहर आओ। आप मिला कुछ? तो मैं आपको बोल रही हूँ कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं ना। अकाउंट्स, अकाउंट्स कौन देखता है? बुक कीपिंग कौन देखता है? सर मैं देखती हूँ, आप देखते हैं, आप देखते हैं। यस सर। तो आप ही नहीं मैनिपुलेट किया है मैम सब कुछ? ऑडिटिंग के टाइम पे और उसके टाइम पे आपने मैनिपुलेट किया, सारी एंट्रीज रॉन्ग है। हमारे इन्फॉर्मल्स थे, वारंट आपको मिल जाएगा। अगर कुछ भी हुई आपको कस्टडी में लिया जाएगा, बिकॉज अकाउंट्स और बुक कीपिंग आपके डिपार्टमेंट में आते हैं। इंचार्ज कौन है? आप ही हो अभी फिलहाल? मैनेजर कौन है यहाँ पे? So, मैं ही। ओके ठीक है, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, सारी एंट्री गलत है, सारी एंट्री गलत है, मुझे पता। सारी एंट्री लैपटॉप चेक करो, इनके ऐसा नहीं हो सकता। सारी एंट्री चेक करो, चेक करो, चेक करो, सब कुछ चेक करो। सर सारी एंट्रीज मेरे अंडर हुई हैं, देख रहे हैं वो, आप टेंशन ना लो। सर प्लीज़ मुझे एक बार अपने सीनियर को कॉल करने दीजिए, इवन उन्हें इन्फॉर्म करने दीजिए। आप किसी को बात नहीं कर सकती, दिस इज़ द ओनली रूल। आप किसी को भी फ़ोन नहीं मिला सकती, ना ही किसी का कॉल उठा सकती हैं। कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता यहाँ से। सर आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं, वो क्या सोचेंगे क्या समझेंगे। आप अंडर एज को भी रूम्स देते हैं? नो सर। हाँ ऑब्वियसली नो। और भी कुछ चलता है यहाँ पे? आपको पता है यहाँ पे फैक्ट्रीज भी चल रही हैं आपके? नो सर ऐसा कुछ। बुक कीपिंग उनकी भी आप ही देखती हैं? वेल मेंटेन रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ। हेलो नीचे रखो, फोन फोन नीचे रखो, किसी को फोन नहीं मिलाना। आप पीछे हो फोन से और आप ही बाहर आओ, आप ही बाहर आओ। मिला कुछ? सारी एंट्री गलत है सर, गलत है। नहीं हो सकता सर, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। काम करो, सुनो, ब्यूरो चल के करेंगे, सब कुछ सीज कर लो, यहाँ पे आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय सीज कर लो? रोए, सीज कर लो, सब कुछ सीज कर लो। सर प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सर आप बोलिए, आप शांत रहो। नहीं मैं बोल तो रहा हूँ, सीज करो फटाफट से, बाहर आओ, लेके चलो। सर प्लीज मुझे एक बार अखिलेश सर को एक बार कॉल। अखिलेश जी को भी लेके आएगा ब्यूरो, उनको भी लेके आना क्राइम ब्रांच। अकाउंट आप देखते हैं ना? यस सर, ऑब्वियसली मैं ही देखती हूँ, और मैं आपसे कब से बोल रही हूँ, सारे अकाउंट्स, सारी बुकिंग मेरे अंडर हुई है। जो भी बात है आप प्लीज़ उनको बोल देना। और ये बताओ मुझको कि यहाँ पे आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? सर ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रही हूँ, और यहाँ पर ऐसी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। ये भी आपके साथ काम करते हैं? और स्टाफ में और कितने लोग हैं आपके? सर लगभग 8-10 लोग हैं, और सब लोग मेरे साथ ही काम, आपके साथ ही काम करते हैं। यस सर। मेन आप ही अभी इंचार्ज भी, मैनेजर भी आपके अंडर में ही है, एंट्रीज भी सारी आपने की हैं इसमें। तो कस्टडी में लो इनको। सर आप मुझे कस्टडी में ले सकते हैं? आप कस्टडी में लो। सर मुझे एक बार प्लीज अखिलेश जी को कॉल करके इन्फॉर्म करने दीजिए, आप बिना उनकी परमिशन के मुझे इंटरोगेट करेंगे, ठीक है? अगर आप नहीं निकलेंगे छोड़ देंगे, वारंट आपको मिल आ जाएगा, आप इनको कस्टडी में लो। सर आप मुझे कस्टडी में नहीं ले सकते? सर कोई बात नहीं, हमको पता हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। वी हैव अथॉरिटीज, वी हैव पावर्स। सर इस होटल की कोई कुछ रेप्यूटेशन है, यहाँ के गेस्ट क्या सोचेंगे? डालो, वो देख लेंगे हम। नो नो सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। सर डालो डालो डालो। सर आप मुझे कस्टडी में नहीं ले सकते। लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, लेडीज कांस्टेबल बुलाएं हम। सर आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरी रेप्यूटेशन का क्या होगा, मेरी शादी है सर। कब? अच्छी बात है, न्यूज़ में आएगा, ये केस बनेगा, न्यूज़ में भी आएगा, आप फेमस होने वाली हैं। आप दूसरे डालो, आप दूसरे डालो। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, दूसरे डालो प्लीज। सर को कॉल करो, उन्हें बताओ। कोई कॉल नहीं करेगा सर, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है सर, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज कुछ तो सोचिए। सर मेरी शादी है, कभी है, कल ही तो थोड़ी है। हम कर रहे हैं जो हमें करना है। सर मेरे लॉस मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं सब कुछ भी गलत काम नहीं करती हूँ, मैं आपको नहीं करती है। अगर नहीं हो ना छोड़ देंगे आपको, आप कस्टडी में लो। देखो ये बहुत पोलाइट है, एक बार अगर लेडीज कांस्टेबल आ गई ना, वो बिल्कुल पोलाइट नहीं है, आपको बहुत सख्ती से पेश आएंगी वो। प्लीज कोऑपरेट कीजिए, आप चलिए साथ में, आप लेके चलो इनको। सर नहीं, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। देखिए आप कोऑपरेट कर लीजिए, आपके स्टाफ को छोड़ रहे हैं हम यहाँ पे, यही बहुत बढ़िया आसान कर रहे हैं। चलो सिर्फ आपको लेके जा रहे हैं, अगर नहीं निकलेगा वैसे तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे हमने फ्रॉडलेंट पाया है इनकी फाइल्स में। दिखाओ ये क्या है? नहीं ये क्या है? ये एंट्रीज किसने करी है? आपने करी है? आपने करी है? तो हमें नहीं पता ये क्या कर रखा आपने। अभी आपकी बुक कीपिंग और भी चिथड़े निकलेंगे बाद में, ठीक है? तो हमें पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सर आप बहुत गलत कर रहे हैं सर। हाँ तो हम बने ही इसके लिए, सही करना गलत करना हमारा है। मैं आपके साथ नहीं जा सकती सर, प्लीज आप एक बार अखिलेश जी को कॉल करने दीजिए। लेडी कांस्टेबल को लाओ, लेडी कांस्टेबल। आप सर लेडी कांस्टेबल क्यों? सर मैं आपको बोल रही हूँ ना, जब मैंने कुछ नहीं किया है। लेडी कांस्टेबल को करो। सर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको इस सबके बारे में किसने इन्फॉर्मेशन दी थी? आप एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं ना। इन्फॉर्मेशन है वो, सोर्सेज रिवील नहीं कर सकते हम। आई एम सॉरी, आप हमें हमारे साथ नहीं जाना ना, सो वी कैन नॉट टेक द राइट्स इन आवर हैंड्स। और आपके लिए लेडीज कांस्टेबल बुला रहे हैं। सर मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकती हूं। फोन करो, फोन करो, वहां जाके समझाना। हां आप वहां जाके समझाना। नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप किसके साथ जाओगे? आपके लिए आप पूरी दुल्हन की गाड़ी बुलाएं। चलिए सो मैं किसी के साथ नहीं जा सकती। मैं नहीं जा, लेके चलो इनको, लेके चलो, चलो बोला ना। सो प्लीज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सर आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। एक मिनट रोको रोको रोको, यहाँ पे रोको। आप बैठो, यहाँ आप बैठो, यहाँ पे आप बैठो, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे आपको जाना है, आपको जाना है हमारे साथ। नो सर। क्यों? सर जब मैंने कुछ गलत किया तो क्यों करते हो? लास्ट वीक आपके स्टाफ के किसी एक बंदे को आपने जलील किया था और एक थप्पड़ भी मारा था उसको, ऐसा हुआ था। आप नहीं करती है ना गलत काम, ऐसा हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ था कि नहीं? सर हुआ था, लेकिन क्यों मारा था? थप्पड़ मारा था आपने? हाँ सर मैंने मारा था, लेकिन इसमें भी उसकी गलती थी। क्या बोल रहे हो? लेडीज कांस्टेबल आ रही है। आप कोई बात नहीं, आप बुला लो उनको, ये हमारे साथ जाने वाली हैं भी नहीं, लेडीज़ के साथ ही जाएंगी। मारा था एक्चुअली ना अखिलेश जी ने, हम उन्हीं के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बात हुई थी। आप पे एक मजाक हुआ, ये प्रैंक हुआ है, क्योंकि आपने किसी के बदतमीजी की थी तो आपको सबक सिखाने हम नकली पुलिस है ये भी, और हम भी नकली CBI से हैं, ठीक है? खड़े हो जाओ, आ जाओ, अपना रिसेप्शन ले लो। आपके साथ मजाक हुआ था, आपने शादी कर लेना और ये पहने रखना, मजाक हुआ था आपके साथ, मजाक कर रहे थे। हाँ बोलिए। तो आप बदतमीजी करते हो, ठीक है? आपने वो फाइल्स में कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं किया था आप, लेकिन आपने किसी को सुनाई थी, आपने किसी से अपने स्टाफ को आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती। तो आप इसके लिए आपसे मजाक हुआ था, तो आप अपना वो ले सकते हो वापस।